क्वेश्चन 25 के अंदर अभी ये बाकी है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ए और बी दो पार्ट है, या तो ए को करना है या तो बी को करना है। वी हैव फोर रजिस्टर्स ए बी सी डी 3 ohm 6 ohm 9 ohm एंड 12 ohm रेस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द लोवेस्ट रजिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग दीज फोर रजिस्टर्स। इन फोर रजिस्टर को कैसे जोड़ें ताकि उनका रजिस्टेंस लोवेस्ट हो, यानी कम से कम हो, मिनिमम हो। और मिनिमम रजिस्टेंस कब आता है, जब पैरल में जोड़ें। आर यानी रजिस्टेंस विल बी लोवेस्ट वेन आल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरल, यानी ये 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 1/R4 1/3 1/6 1/9 1/12 एलसीएम 36 हो जाएगा, 12 6 4 3 करके 24/36 2/3 तो 1/R इज इक्वल टू 2/3 एंड R विल भी क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे 3/2 यानी कि 1.5 एम्पियर। ये हुआ इसका ए पार्ट। दूसरा जो है बी पार्ट, उसमें क्या पूछा है, यू आर गिवन टू फ्यूज वायर ए एंड बी विद करंट 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। दो फ्यूज आपके पास, एक के ऊपर करंट क्रिएटिंग 2 एम्पियर है, दूसरे पे 5 एम्पियर की है, ठीक है। जस्टिफाई विद रीजन विच ऑफ द टू वुड यू यूज विद ए 1000 वाट 220 वोल्ट रूम मीटर, यानी कि एक रूम मीटर है जिसकी पावर 1000 वाट है और वोल्टेज 220 है, तो इसमें 2 एम्पियर वाला सही रहेगा या 5 एम्पियर का। तो हम ये देखेंगे इसके अंदर पावर डिसिपेशन कितना होगा। इसके अंदर देखिए पावर का फॉर्मूला दे रखा है, तो करंट देखेंगे कितना करंट जाएगा इसमें से, जब शो करेंगे तो P इज इक्वल टू वी आई, I इज इक्वल टू पी बाई वी, पावर कितना है 1000 वाट है, ये 220 है, 4.54 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। और उस केस में से तो कौन सा काम करेगा, फ्यूज बी काम करेगा जिसका जिसमें रेटिंग कितनी है 5 एम्पियर तक, उसमें से करंट जा सकता है। तो इसका आंसर ये लिख देंगे, बिकॉज इट विल एबल टू 5 एम्पियर वाला लगेंगे, क्यों लगाएंगे, बिकॉज इट विल एबल टू सस्टेन द करंट 4.54 एम्पियर पासिंग थ्रू इट, वाइस फ्यूज ए, अगर फ्यूज ए को कोई लगा भी दे विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट एज द करंट एक्सीड द रेटिंग, क्योंकि उसमें करंट रेटिंग से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।